सो फाइनली गाइस अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स का ट्यूटोरियल आ चुका है। मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा ये सॉफ्टवेयर। मैं जानता हूँ जब तुमने सॉफ्टवेयर खोला होगा तुम्हें लग रहा होगा भाई साहब ये क्या है। चिंता मत करो, मैंने ट्यूटोरियल बहुत ही ईजी बनाया है और मैं पूरी कोशिश करूँगा ताकि तुम्हें एक एक चीज़ समझ में आए। सो बिना किसी बकैदी के चलो शुरू करते हैं। इस आफ्टर इफेक्ट्स को सीखने के लिए क्यों ना एक प्रोजेक्ट बनाया जाए, साइड बाय साइड हम इसको भी सीखेंगे। तो ये मैंने प्रोजेक्ट इसलिए डिसाइड किया है, ये एक बेसिक मोशन ग्राफिक्स हैं। इससे क्या होगा कि तुम सारे पहली बात तो इसको यूज़ करना सीख जाओगे, क्योंकि या तुम कोई भी सॉफ्टवेयर जब तक नहीं सीखोगे जब तक तुम उसको इस्तेमाल नहीं करते। सो गाइस जब भी तुम आफ्टर इफेक्ट्स को खोलोगे तो तुम्हें कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। तुम्हारा जो राइट साइड है यहाँ पे होगा तुम्हारा इफेक्ट पैनल, तुम्हारा जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे होता है इंपोर्ट और प्रोजेक्ट, यहाँ पे सारी इंपोर्ट फाइल्स आती हैं। ये जो है ये टूल बार है, यहाँ पे सारे टूल्स होते हैं। और ये जो नीचे है इसे कहते हैं टाइमलाइन, यहाँ पे हम सारे के सारे एडिटिंग करते हैं। और ये जो मैं जिसमें देख रहा हूँ इसको कहते हैं प्रीव्यू टैब। और अगर सो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि फाइल्स को इम्पोर्ट कैसे करते हैं। तुम इम्पोर्ट टैब पर जाना, वहाँ पर डबल क्लिक करना, एक टैब खुलेगा, वो बताएगा कि तुम्हें डेस्टिनेशन फोल्डर से सारी फाइल्स लानी है। यार मैं ना एक चीज़ करता हूँ, मैं पहले से ही फोल्डर्स बना लेता हूँ उस लोकेशन पे, जैसे कि एसेट का फोल्डर हो गया, ई फाइल्स का फोल्डर हो गया जिसमें मैं ई फाइल सेव करूँगा, उसके अंदर भी अनकम्प्रेस रखता हूँ मैं, ताकि मैं जो रेंडर क्यू का यूज़ करूँगा तो उससे अनकम्प्रेस फाइल आती है तो उसमें सेव कर सकूँ। और एक और फोल्डर होगा साउंड का भी फोल्डर होता है, अभी मैंने बनाया नहीं है लेकिन मैं बनाता हूँ जनरली, एक 3D ऑब्जेक्ट का भी बनाता हूँ, एसेट्स हो गया। और एक वीडियो फुटेज का होता है जहाँ पे मैं अपनी रॉ फाइल्स वगैरह डालता हूँ, रॉ फुटेज वगैरह जो भी मैंने वीडियो शूट किए ना उसमें डालता हूँ। मैं ये सारे फोल्डर इसलिए बनाता हूँ ताकि मैं ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकूँ, मैं कन्फ्यूज ना हो जब मैं इसको दोबारा खोलूँ प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो ये एक आदत तुम ऐसे बना के रखना कि तुम्हें फोल्डर्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या करूँगा, ये सारे फोल्डर्स को आफ्टर इफेक्ट्स में इम्पोर्ट कर दूँगा, तो इन फोल्डर्स के जो भी कंटेंट है वो भी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी फुटेज डाली है, मैं इसको रीनेम कर दूंगा एज अ वीडियो। फिर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इस कंपोजिशन बटन पे, इससे क्या होगा, इससे एक नई कंपोजिशन बन जाएगी। जब मैं वीडियो डालूंगा तुम देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन लाइन थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है, तो कहीं कहीं पे ब्लैक है, कटी पिटी है। ये जो ग्रीन लाइन होती है इसका मतलब होता है ये जो फुटेज है रेंडर्ड हो चुकी है, और जो ब्लैक ब्लैक है वो अभी नहीं हुई है। ये जब पूरी ग्रीन हो जाएगी तो वीडियो जब मैं प्ले करूँगा तो स्मूथली चलेगी, अगर ये पूरी नहीं होगी तो स्लोली स्लोली रेंडर होते होते रियल टाइम में चलेगी। अगर तुम्हें अपनी रेंडर की ये जो रिजोल्यूशन है उसको चेंज करना है तो ये रिजोल्यूशन टैब को दबाना। इसमें चार ऑप्शन होते हैं, ऑटो, फुल, हाफ, 1/3, 1/4। तो तुम इसको बेसिकली ऑटो पे रखना है, ये तुम्हारा हार्डवेयर के हिसाब से अपने आप डिसाइड करेगा कि क्या करना है। अब मैं तुम्हें बताऊँगा कंपोजिशन सेटिंग्स के बारे में। तो अगर तुम किसी भी कंपोजिशन पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे कंपोजिशन सेटिंग को सिलेक्ट करोगे तो एक टैब खुलेगा। इसमें क्या कर सकते हो, इसमें तुम उस कंपोजिशन का नाम, उसकी वेट, उसकी हाइट या फिर उसका FPS, उसका जो फ्रेम्स है वो भी चेंज कर सकते हो, अपना स्टार्ट टाइम और ड्यूरेशन भी इसमें डाल सकते हो। जनरली मैं 1920x180p में ही रखता हूँ अपनी रिजोल्यूशन, और फ्रेम्स में ज़्यादा 29.97 पर रखता हूँ। अगर मेरे को थोड़ी स्लोमो चाहिए तो मैं 59.974 पर रखता हूँ। तो ये तुम्हारी नीड पे डिपेंड करता है। अब चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं कंपोजिशन को कंपोजिशन फोल्डर में डाल दूँगा। तो एक नया फोल्डर बनाने के लिए हम इस बटन को दबाएंगे, इससे एक नया फोल्डर बन जाएगा। इसको रीनेम कर देता हूँ कॉम्स में। ओके, सो हम अब एक बैनर बनाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और सॉलिड को सिलेक्ट करेंगे। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ब्लू में, ओके कर देते हैं। अब मैं इससे एक बैनर की शेप में बनाऊंगा, पहले इसको रीनेम कर देते हैं एज अ बैनर। फिर मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूंगा और क्लिक एंड ड्रैग करके मैं एक रेक्टेंगल शेप बनाऊंगा, और ये हो गया। अब हमारा एक सिंपल सा बैनर का एक शेप बन चुका है। तुम्हें कुछ हॉटकीज याद रखने हैं, जैसे कि P से पोजीशन, T से ओपेसिटी, S से स्केल, ये सारे जनरली तुम्हारे काम आएंगे तो इसको याद रखना। टूल किट में एक सिलेक्शन टूल होता है जो जनरली मैं कोई भी लेयर सिलेक्ट करूँगा तो उसको मूव करने के काम आता है, जैसे तुम देख सकते हो।
एक और टूल यूज़ करते हैं जिसका नाम है हैंड टूल। ये जनरली कंपोजिशन को मूव करने के काम आता है, जैसे कि ऐसे। और ये होता है जूम टूल, ये जनरली तुम्हारे कंपोजिशन को जूम इन और जूम आउट करने के काम आता है। अगर तुम्हें थोड़ा चेंजेस करने के, मेरे को जूम आउट करना है तो ये वाला बटन दबाना। इसे तुम चॉइस कर सकते हो कि तुम्हें 100% रखना है या जो भी रखना है उस हिसाब से तुम चेंज कर सकते हो। जैसे कि हमारा बैनर बन चुका है, अब हम इसमें इफेक्ट डालेंगे। तो उसके लिए हम इफेक्ट पैनल खोलेंगे, उसके सर्च बॉक्स में ग्रेडिएंट रैम डालेंगे, फिर ऑप्शन में से ग्रेडिएंट रैम को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे बैनर पे। ये फिर हमारे इफेक्ट टाइप में शो होने लग जाएगा। अब इसकी सेटिंग्स में हम पोजीशन स्टार्ट को यहाँ पे लगाएंगे और एंड को इधर लगाएंगे। फिर मैं इसकी स्टार्ट कलर को लाइट ब्लू सेट कर दूंगा, एंड कलर को ब्लैक सेट कर दूंगा और ब्लेंड विद ओरिजिनल को 47% कर दूंगा। ओके, तो बैनर बन चुका है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इसको एनिमेट कैसे करते हैं। किसी भी इमेज या कोई भी एसेट को अगर तुम एनिमेट करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें 3-4 चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। एक है पोजीशन, एक है स्केल, एक है ओपेसिटी, ठीक है। इनके कुछ ऐसे इस जैसे स्क्रीन पर रखे हैं, इनके ये शॉर्ट कीज़ हैं, जब तुमने दबाओगे तो ये खुल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं इस कंपोजिशन को ना एंकर पॉइंट के थ्रू एडजस्ट करूँगा। अब मैं एंकर पॉइंट के थ्रू इसको एडजस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस वाले केस में तो ये काम नहीं आएगा। लेकिन जैसे कि अगर तुम्हें कोई एक इमेज है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि वो सेंटर से स्केल और अप हो, साइड से ना हो, तो तुम्हारा एंकर पॉइंट यूज़ होगा। तो जैसे मैं स्क्रीन पर एंकर पॉइंट को एडजस्ट कर रहा हूँ, ऐसे तुम भी कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। इस पार्ट में मैं इस कंपोजिशन के जो स्टार्ट टाइम है उसको एडिट करूँगा। तो कंपोजिशन खोलने के लिए वही सेम चीज़, कंपोजिशन पर राइट क्लिक करो और उस पर कंपोजिशन सेटिंग में जाके स्टार्ट टाइम में 0 कर दूँगा, क्योंकि मेरे केस में चीज़ काम आ रही है, तुम्हारे में शायद ना आए, तो फिर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तुम ये जो टाइम लाइन देख रहे हो, इसमें ये ना काफ़ी सारी फ्रेम से बनती है। ज़रा देखो, जो एक वीडियो होती है ना, वो एक बेसिकली सिक्वेंस ऑफ इमेजेस ही होती है। जैसे मान लो मेरी 10 सेकेंड की एक वीडियो है, ठीक है, हर सेकंड में 30 फ्रेम्स हैं, क्योंकि वो 30 FPS वाली है। हो सकता है 60 FPS भी हो, लेकिन मैं यहाँ पे 30 फ्रेम्स वाली कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका मतलब एक सेकंड में 30 इमेजेस शो होंगी, उसके ऐसे सिक्वेंस दिखेंगे, तो वो इस टाइम लाइन पर तुम्हें दिख रही होगी। इससे क्या होता है टाइम लाइन में, कि हम पर्टिकुलर फ्रेम में पर्टिकुलर इफेक्ट डाल सकते हैं इसके थ्रू। ज़्यादातर जो फ्रेम का वर्क है ना, वो रोटोस्कोपिंग में काम आता है। रोटोस्कोपिंग एक नया टॉपिक है, मैं तुम्हें किसी और ट्यूटोरियल में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, जो वीडियो होती है वो फ्रेम से बनती है, मतलब सेट ऑफ सिक्वेंस ऑफ इमेजेस से बनती है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, हमारा बैनर बन चुका है। अब हमारा काम है कि हमें इसको एनिमेट करना है। किसी चीज़ को एनिमेट करने के लिए हम उसकी पोजीशन या स्केल चेंज करते हैं। इस केस में हमें ऐसा करना है कि बैनर जो है ये फ्रेम से बाहर होके अंदर आए। तो ये कैसे कर सकते हैं, सबसे ईजी है, हम टाइमलाइन पे जाएंगे, एक सेकंड आगे शिफ्ट करेंगे और अपने कीवर्ड पे पी दबाएंगे। इस बैनर को क्लिक करके हमने बैनर क्लिक कर दिया, सेलेक्ट कर दिया है, फिर हम पी दबाएंगे तो पोजीशन खुल जाएगी। पोजीशन के जो स्टॉप वॉच है ना, उस पर हम क्लिक करेंगे तो एक की फ्रेम बन जाएगा। हम क्या करेंगे, इस की फ्रेम को एक सेकंड आगे कर देंगे, मतलब इसको माउस से लगाए और एक सेकंड आगे कर दिया। अब क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट सेकंड पे था, उस जगह पे हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। इसकी पोजीशन ऐसे रखेंगे कि ये फ्रेम से बाहर हो जाए। अब जब तुम इस वीडियो को प्ले करोगे तो कुछ ऐसा आएगा कि ये बाहर से अंदर आया, लेकिन ये जो मोशन है ना, बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, लाइक ये ऑर्गेनिक नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो चीज़ें करेंगे। ये जो की फ्रेम है, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक दबाएंगे, की असिस्टेंट में जाके ईज़ कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, लेकिन अभी भी ना कुछ फील नहीं आ रहा है। तो मैं तुम्हें अपनी ट्रिप बताता हूँ। कभी भी किसी भी मोशन को अगर मेरे को स्मूथ और नेचुरल रखना है ना, किसी भी एनिमेशन को, तो मैं ग्राफ यूज़ करता हूँ। ग्राफ के लिए वो जो तुम्हारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो ग्राफ है, इस पर क्लिक करना, ठीक है। अब इसमें तुम मेक श्योर करना कि तुमने स्पीड ग्राफ चुन रखा हो, अगर नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब तुम्हें ग्राफ दिख रहा होगा, कुछ ऐसा कर्व सा बना होगा, उसमें एक पॉइंट को मैं पकड़ूंगा, उसको ऐसे खींचूंगा कि एक स्लोप टाइप का बन जाएगा। तुम ज़रा इसको ना गौर से देखो, ये एक स्पीड ग्राफ है, जिसमें जो तुम्हारी स्पीड है वो कुछ एकदम से हाई होती है, फिर एकदम से डाउन हो जाती है। ये जो मूवमेंट है कुछ ऐसा होगा, ठीक है,
तो यही मूवमेंट मैंने इस ग्राफ के थ्रू इसमें एनिमेट करने की कोशिश की है। अब तुम अपने एनिमेशन देखना, ये ज़्यादा ऑर्गेनिक लगेगी। ये मेरी टिप थी जो मैं करता हूँ। तो अब हम इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर हम अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे। जैसे ही टाइप करेंगे तो एक कैरेक्टर टाइप खुलेगा। उसमें तुम फॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो और भी हैं, वो सारी चीज़ें तुम चेंज कर सकते हो। अब हम टेक्स्ट को पोजीशन करेंगे, अपने कीबोर्ड पे पी दबाएंगे। हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जो है ये बैनर के साथ ही मूव करे, तो उसके लिए हम पेरेंट क्लिक करेंगे और इसको होल्ड करके रखना है और यहाँ बैनर पे ड्रॉप कर देना है। अब हम इसकी आउट एनिमेशन बनाएंगे। तो हम एक सेकेंड आगे बढ़ेंगे, अब वॉच पे क्लिक करके की पॉइंट सेट कर देंगे। फिर हम ग्राफ यूज़ करेंगे और जैसा हमारा इन एनिमेशन का ग्राफ था उसी का एक मिरर इमेज बना देंगे। अब हम इसमें ऐड ब्लर कर देंगे, इससे क्या होगा कि ये थोड़ा नेचुरल लगेगा। हम मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, वो है CTRL+S, Ctrl+S। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि तुम अपना प्रोजेक्ट तुमने बनाना तो स्टार्ट कर दिया लेकिन तुम सेव करना भूल गए होगे। तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, इसलिए तुम्हें हर मोमेंट पे सेव करते रहना है। जैसे जैसे तुम चेंजेस करते रहो अपने पूरी कंपोजिशन में, पूरे प्रोजेक्ट में, वैसे वैसे CTRL+S दबाओ, ख़त्म करो। ये जो एनिमेशन है थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है, चलो इसमें थोड़ा सा इफेक्ट डालते हैं। तो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा वेगल कैसे यूज़ करते हैं। तो इस इफेक्ट को डालने के लिए तुम यहाँ पे टी दबाना तो ऑपोजिट टैब खुलेगा, फिर उसके स्टॉप वॉच पे एल्ट दबा के क्लिक करना तो ये रेड हो जाएगा। इसका मतलब अब हम एक कोड डाल सकते हैं। एक कोड टेबल भी तुम्हारे टाइमलाइन पे खुल जाएगी। वहाँ पे टाइप करना वेगल 10, 30 और फिर दूसरी जगह क्लिक कर देना। अब तुम देख सकते हो ये थोड़ा सा ग्लिमर इफेक्ट आ रहा होगा इसमें। ऑलराइट, सो अब हम एक लोगो रिवील एनिमेशन करेंगे। तो मैं इसका नाम चेंज करके ए लोगो कर देता हूँ। इस बार हम क्या करेंगे, हम इस लोगो को इस कंपोजिशन बटन पे लेके एक नई कंपोजिशन बना देंगे। इसकी कंपोजिशन सेटिंग को चेंज कर देते हैं, रिजोल्यूशन 1920x180p और बाकी सब ठीक है। ओके, अब हम इस लोगो को स्केल डाउन कर देंगे, थोड़ा सेंटर में ले आते हैं इसको। अब हम ये जो कंपोजिशन है इसको एडिट कॉम में डाल देंगे। ये वाला जो बटन होता है ये स्पेसिफिक लेयर को हाईलाइट करने के लिए होता है। मतलब अगर तुम देखना चाहते हो कि इस लेयर में क्या इफेक्ट्स हैं या ये कौन सी लेयर है तो इस बटन को दबाया जाता है। अब हम इस लोगो को एनिमेट करेंगे और अपन चाहते हैं कि ये थोड़ा अगर लोगो रिवील हो तो थोड़ा रोटेट हो के हो। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, हम जैसे कि देख सकते हैं बैनर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो हमें यहीं से लोगो रिवील स्टार्ट करना है। अराउंड 2 सेकेंड है, तो हम यहाँ पर की फ्रेम बनाएंगे जहाँ पे एस इक्वल टू हम 0% करेंगे। फिर 1 सेकंड बाद हम एस इक्वल टू 30% करेंगे। इसको प्ले करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इन दोनों की पॉइंट को सिलेक्ट करके इजी ईज करेंगे और ग्राफ की मदद से हम इसे थोड़ा स्मूथ मोशन देंगे। ओके, सो इट लुक गुड। अब हमें इसमें रोटेशन डालना है। रोटेशन डालने के लिए हम कीबोर्ड पे आर दबाएंगे और इस की फ्रेम के नीचे हम यहाँ पे आर इक्वल टू 0% 0° कर देंगे। फिर इस की फ्रेम को हम सरका के सेकंड की फ्रेम के नीचे ले आएंगे और जो पहली की फ्रेम है उसके नीचे हम आर इक्वल टू -180° कर देंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करके इजी ईज कर देंगे।
और ग्राफ की मदद से हम इसको थोड़ा स्मूथ मोशन देंगे। थोड़ा सा फास्ट करने के लिए हम इन्हें एक दूसरे के पास ले आएंगे। ओके, तो हमारा लोगो रिवील अच्छा लग रहा है। अब हम ये सेम तरीका यूज करेंगे आउट एनिमेशन के लिए। एक मिरर इमेज बनाएंगे इन की फ्रेम्स की, लेकिन हम यहाँ पे r इक्वल्स टू प्लस 180 डिग्री रखेंगे। ओके, सो हमारी एनिमेशन रेडी हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि इसको यहीं तक रखते हैं। तो उसके लिए हम इसको कंपोजिशन को क्रॉप करेंगे। तो उसे करने के लिए हमें दो कीज हमें याद होनी चाहिए। एक होता है बी, एक होता है एन। बी जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट को सिलेक्ट करता है और एन होता है वो एंड पॉइंट को सिलेक्ट करता है। तो इस सिचुएशन में को स्टार्ट 0 सेकंड से करना है तो बी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एन दबाऊँगा, इससे ये क्रॉप हो जाएगी। फिर मेरे को इसको ट्रिम करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया। तुम चाहो तो सीटीएल शिफ्ट प्लस एक्स भी यूज़ कर सकते हो, सेम चीज़ काम करती है। ये जो लोगो है थोड़ा डल सा है, क्यों ना इसमें थोड़ा इफेक्ट डाला जाए। तो हम इफेक्ट टैब पे जाएंगे, सर्च ग्लो करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कॉम्पोजिशन पे। इसकी जो ग्लो रेडियस है उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। थ्रेशोल्ड को टच करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये वाइब्रेंस दिखाता है, तो तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मत छेड़ो तो सही रहेगा। अब इसको थोड़ा और अपीलिंग करने के लिए हम इसमें थोड़ा ब्लेंडिंग ऑप्शन के साथ थोड़ा छिड़कानी करेंगे। तो अगर तुम्हारा ब्लेंडिंग ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो तुम इस बटन टॉगल स्विचेस मोड पर क्लिक कर सकते हो तो दिख जाएगा, नहीं तो इस साइड में कुछ तीन बटन है इनमें से कोई क्लिक कर देना तो दिख जाए। तो हम इस पर्टिकुलर केस में ब्लेंडिंग मोड ऐड डालेंगे। देखो ऐड का ये फ़ायदा होता है, अगर तुम ब्लेंडिंग ऑप्शन ऐड डाले हो तो ये इमेज के जो भी हाईलाइटेड एरिया है ना उसको थोड़ा ज़्यादा शो करता है, जैसे कि तुम देख सकते हो। तो ये ऐड इफेक्ट ज़्यादा ग्लो इफेक्ट में काम आता है। अगर मैं कभी कोई ग्लो यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ऐड यूज़ करूँगा ब्लेंडिंग ऑप्शन में। ओके गाइस, अब बात करते हैं कलर करेक्शन की। कलर करेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर तुम वीडियो एडिट कर रहे हो, ठीक है। तो ये कैसे किया जा सकता है, सिंपलेस्ट मेथड है। राइट क्लिक करना, न्यू पे जाना और एडजस्टमेंट लेयर बना लेना। एडजस्टमेंट लेयर क्या होती है, एडजस्टमेंट लेयर एक इस तरह की लेयर है जिसमें इफेक्ट तुम डाल सकते हो और उसके जो नीचे है उन पे वो अप्लाई हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मेरे को सिर्फ ये जो रॉ फुटेज है इस पे इफेक्ट डालना है, तो मैं इस एडजस्टमेंट लेयर को नीचे ले आऊँगा, बाकी जो टेम्पलेट्स हैं उनसे नीचे ले आऊँगा। तो अब मेरी सिर्फ वीडियो पे लगेंगे इफेक्ट्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं एक ना प्लगइन यूज़ करता हूँ वीडियो को पायलट का, एक इफेक्ट काउंसिल होता है, क्योंकि वो मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं CTRL पर शिफ्ट दबाता हूँ, आराम से मैं इफेक्ट टाइप करके सर्च कर सकता हूँ। मेरे को वो माउस घुमा के इफेक्ट टाइप पे क्लिक करने के, मतलब ये थोड़ा सा टाइम बच जाता है।
तुम्हारी मर्जी है, फ्री प्लगइन है, तुम डाउनलोड कर सकते हो वीडियो को copilot.com से, नहीं तो वैसे वही सिंपल चीज़ है, इफेक्ट पैनल में जाओ, वहाँ से सर्च करो कर्व्स और इसको अपने एडजस्टमेंट लेयर पे शिफ्ट क्लिक एंड ड्रॉप कर दो, ठीक है। अब इस कर्व को जैसे मैं कर रहा हूँ उसी उसके अकॉर्डिंग कर देना, क्योंकि मेरे को इस वीडियो ना थोड़ी डल लग रही थी, तो फिर मैं सोचा कि इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट डालते हैं। कॉन्ट्रास्ट डालने का कर्व का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, सेंटर में क्लिक करो और अपने जो नीचे है उसके भी सेंटर पर क्लिक करो, उसको खींच दो, और जो ऊपर का सेंटर है उसको भी थोड़ा सा ऊपर खींच दो, तो एक ना हाई कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमारी एनिमेशन थोड़ी बहुत अच्छी लगने लगी है। मैं सोच रहा हूँ बैनर में थोड़ा सा शेडो डाल दूँ, तो ये थोड़ा ज़्यादा अपीलिंग लगेगा। कुछ नहीं करना, तुम्हें इफेक्ट में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है ड्रॉप शेडो, फिर इस ड्रॉप शेडो को यहाँ बैनर पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे तुम्हें डिस्टेंस थोड़ी सी चेंज करनी है, मैं अपने केस में 37 रख रहा हूँ, सॉफ्टनेस 62। अब तुम देख सकते हो डिफरेंस कैसा है, ये थोड़ा सा 3D लुक देगा तुम्हारे इस बैनर को। किसी भी वीडियो में अगर तुम जान डालना चाहते हो ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुम उसके साउंड पे ध्यान दो, तो अब हम वही करेंगे। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम डालो या ना डालो, लेकिन क्यों ना इसमें डाला जाए एक साउंड। तो साउंड डालने के लिए वही है, इंपोर्ट टैब पर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और ब्राउज करेंगे, कोई भी म्यूज़िक अपने हिसाब से चूज़ करेंगे और इसमें ड्रॉप कर देंगे। अब तुम चाहते हो कि मेरे को ऑडियो का भी ऑडियो लेवल बढ़ाना है घटाना है, तो वो भी हो सकता है। तुम्हारा जो इफेक्ट टैब है उसी के ऊपर ऑडियो का भी होता है, उस पर क्लिक करो, थोड़ा सा ऊपर करोगे तो साउंड डेंसिटी बढ़ेगी और अगर नीचे करोगे तो कम होगी। तो इस तरह से तुम साउंड एडिट कर सकते हो, और भी बहुत कुछ होता है, मैं इसकी डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम इतना सा ध्यान रखो। तो हमारी फाइनली वीडियो तैयार हो चुकी है और ये काफ़ी दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, और तुमने भी फाइनली तुमने ये चीज़ बना ली है। ओके, सो ये हमारा सबसे लास्ट स्टेप है, हमें अब इसे एक्सपोर्ट करना है, मतलब इस सॉफ्टवेयर से निकाल के इसको एक वीडियो में बना रहे हैं, .mp4 या जो भी तुम्हारी मर्जी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको सेव कर लेंगे, फिर फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, ऐड टू मीडिया एनकोडर कर देंगे। तो मैं इसको एक्सपोर्ट करने के लिए मीडिया एनकोडर मैं सजेस्ट करूँगा डाउनलोड कर लो, जैसे मैंने तुम्हें Adobe After Effects बताया था डाउनलोड करने के लिए, वहाँ से भी तुम ये डाउनलोड कर सकते हो। इसके जो डिफ़ॉल्ट प्रीसेट दे रखे हैं वही रहने देना, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट होते हैं। और यहाँ पे जो ग्रीन बटन है उस पर क्लिक करो और खाता। सो गाइस, तुम्हारी वीडियो रेडी हो चुकी है। ओके गाइस, वीडियो को ये ख़त्म करते हैं, आई होप तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया हो। ये बहुत ही बेसिक ट्यूटोरियल था, अब जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएंगे वो एक्चुअल VFX टाइप वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, वो तुम्हें अब अच्छे से समझ में आएंगे, तुम्हारे बेसिक इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। अगर तुम्हें कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी डाउट हो, तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो, मेरा इंस्टा हैंडल है ITX Cover, तो मैं स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी बहुत बढ़िया कंटेंट डालता हूँ। और अगर तुम लोग नए हो तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो यहीं पर मिलते हैं।